मैं जिलानी मलिक वार्ड नंबर 16 के वार्ड पार्षद उम्मीदवार, हवाई जहाज छाप मेरा है क्रम संख्या 4 पर। आप एबीसीसी कंप्यूटर संस्थान उसके डायरेक्टर जी, क्या वजह रही जो इस बार आपको वार्ड पार्षद पद पे चुनाव हुआ? मुझे लगा कि इस बार शिक्षित लोगों को आना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकल शिक्षक को, क्योंकि शिक्षित दो तरह के होते हैं, उधर डिग्रीधारी होते हैं, एक प्रैक्टिकल शिक्षक होते हैं। तो हम लोग प्रैक्टिकल शिक्षक हैं कि वो डिग्रीधारी के अलावा इस बार चाहते हैं परिवर्तन हो, डिग्रीधारी नहीं प्रैक्टिकल शिक्षक आवे, ताकि उसके पास क्रिएटिविटी माइंड हो और अपने माइंड से जो है अच्छे अच्छे डेवलपमेंट को करें। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं क्या? जी प्रथम समय है। अच्छा, तो ये बताएंगे क्या मुख्य एजेंडा है, किस एजेंडे? मैं सबसे पहले एजेंडा यही है कि रोड पर जितने बच्चे 10 बजे 7 बजे के बाद स्कूल टाइम में जो बच्चे रोड पर घूम रहे हैं, उसको एक एक बच्चे को जो है प्राइवेट स्कूल तक अपने निजी फंड से मैं उसको पहुंचाऊं। अच्छा, निजी फंड से? जी। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ? सबसे पहले गवर्नमेंट का जो फंड है, गवर्नमेंट का वर्क होगा, आप जैसे रोड का हो, जल का हो, नल का हो, जो भी फंड है वो तो फंड के साथ फंड होगा ही, जो सरकार हमें देंगे उस वो तो होगा, वो तो आम बात है। मतलब कि जो सरकारी फंड है वो तो मिलेगा ही, और आप एक्स्ट्रा बोनस जनता को दे रहे हैं हम। अच्छा, इसके अलावा क्या सब सोच है? मैं सबसे पहला सोच है कि शिक्षा, जैसे शिक्षा बदलेगा बच्चे खुद ब खुद जो है वो अपने एक्टिविटी में आ जाएंगे और वो इंटेलिजेंट होंगे, खुद सोच लेंगे कि क्या करना नहीं करना है। अच्छा, ये बताएंगे कि जो समस्या है मुख्य रूप से आपके वार्ड में, सबसे पहले समस्या फिर कहते हैं हम शिक्षा पे फिर बताना है कि जो लोग हमारे बच्चे जो हमारे मोहल्ले में जो है हमारे वार्ड में बहुत सारे बच्चे रोड पर घूमते रहते हैं, उसको अंदर स्कूल तक पहुंचाएंगे। अब रहा बात समस्या की बात, अभी इस रोड पर जाइएगा मेरे मोहल्ले वार्ड नंबर 16 के तहत आता राजा मोहल्ला गौशाला रोड के अंतर्गत, वहाँ पर रोड पर जो है हौज के पानी को बहाया जा रहा है, नाली के पानी को बहाने में लोग मजबूर हैं क्योंकि नाली है नहीं, जिस वजह से कई तरह के लोगों को बीमारियाँ होती है, स्कूल से स्कूल जाते छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, बूढ़े नौजवान सब रोड से क्रॉस करते हैं, गंदगी को कहिए कि फेस करते चलते हैं, इसलिए उस समस्या का सबसे पहले समाधान निकाला जाएगा। अच्छा, और आपके वार्ड में जो नल जल योजना है क्या वो पूर्णतः धरातल पर? नहीं, वो फ्लक्चुएट कर रहा है, कहीं काम कर रहा है, कहीं नहीं कर रहा है, कहीं कर रहा है, कहीं नहीं कर रहा है। खासकर हमारे मंगरौनी सेक्सटोली में हमारा एक मकान है, वहां पर तो देखते हैं कि बिल्डिंग बना दिया गया, बिल्डिंग बनाने के बावजूद जो है सब कुछ कर दिया गया, थोड़ा मोड़ा खर्चा के चक्कर में जो है उसको चालू नहीं किया गया है, और लोग ईद जैसे दिन में भी लोग जो है मतलब पानी लाने के लिए बाहर रोड पर गया। तो क्या कहना चाहेंगे जाते जाते अपने वार्ड की? हम यही चाहेंगे कि इस बार चुनाव जो है शिक्षा पर करिए, इस बार किसी के दारू पे हो या पैसा पे हो न बिककर एक बार फ्री ऑफ कॉस्ट में जिलानी मल्लिक आपको शिक्षा दे रहा है, आइए आपका स्वागत है। अगर आपको विश्वास नहीं तो लिखित ले लीजिए हर घर में, हर घर से हम सभी के। अच्छा, ये बताएंगे कुल कितने उम्मीदवार हैं आपके? हमारे यहाँ पर 19 उम्मीदवार थे, जिसमें से 2-3 जो है साइड हो गए, तो 16 उम्मीदवार बचे हुए हैं अभी। हम अपने आप को प्रथम से प्रथम नंबर 1 A++ स्थान रखते हैं, हम 200% आवेदन गौर करिए कि हम रखेंगे, क्योंकि आप खुद समझ लीजिए कि मैं बोनस दे रहा हूँ, जो शिक्षा प्रेमी होगा मेरे साथ होंगे, जो लोग बाकी चीज़ पैसे के प्रेमी होंगे, कोई लोग जानने के बहुत तरह तरह की बातें हैं, तो वो जो दारू शराब के प्रेमी होंगे उधर जाएंगे, जो पैसे के प्रेमी पैसे की तरफ जाएंगे, लेकिन अब वर्ग और हमारा समाज बदल रहा है, सभी अपने बच्चों से स्कूल भेजना चाहता है और सभी मेरे साथ है।